गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ हमारे 16 सितंबर के प्रेजेंटेशन में। आज दोस्तों हम लोग कवर करेंगे 16 तारीख का सारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन, और सबसे पहले हम लोग अपने न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक बहुत बड़ी उपलब्धि इंडिया ने अभी हासिल करी है। अभी हुआ क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का एक कमीशन होती है जो कि होती है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, और ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूएन की, उसका ये हिस्सा होता है। तो उसमें जो है इंडिया को एक सीट मिल गई है। इस बार इंडिया जो है अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होती है उसका मेंबर बन गया है। और इस रेस में दोस्तों तीन कंट्रियां थी, इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना। इसमें सभी कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज ने इंडिया का वोट कराया, और ये जो सोशल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है उसमें इंडिया को एक मेंबर चुन लिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो आप जानते होंगे अभी हाल ही में ये TS त्रिमूर्ति जो है ये यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, और उन्होंने दोस्तों ये न्यूज अभी पब्लिश करी थी। अगर अपन बात कर लेते हैं इसकी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, तो ये 1945 में फॉर्म हुआ था। इसकी जो प्रेसिडेंट है अभी वो है मोना जूल, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे देखते हैं। अभी दोस्तों ह्यूमन राइट काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशंस का, वहां पे इंडिया ने जो है पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल यानी OIC को जो है काफी जवाब दिया है। जो उनका स्टैंड था CA को लेके, और जो कश्मीर पे लेके जो उनका स्टेटस था, पाकिस्तान हर जगह दोस्तों बड़ी, अब जानते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाके इंडिया के लिए जो एक एंटी इंडिया जो कैंपेन चला रहा है उसका इंडिया ने जवाब दिया पाकिस्तान को, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल को अपना स्टेटस दोनों ने जम्मू एंड कश्मीर पे दिया है उसके लिए जो है काफी उन्हें सुनाया। अब दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये ह्यूमन राइट काउंसिल्स क्या है और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल क्या है। चलिए इन दोनों को अपन देख लेते हैं। देखिए जो ये ह्यूमन यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट काउंसिल है, ये एक 47 मेंबर्स का ग्रुप है, और ये जो जो भी इसका मेंबर बनता है वो 3 ईयर्स के टर्म में आता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 15 मार्च 2006 में इसका फाउंड हुआ था ये। और इसकी जो करेंट प्रेसिडेंट है वो है एलिजाबेथ टीजी जो है यूनाइटेड नेशंस की अभी करेंट प्रेसिडेंट है। अगर अपन बात करें दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेदा सऊदी अरेबिया में है, और जितने भी इसमें इस्लामिक कंट्रीज हैं वो OIC के मेंबर्स हैं। फाउंडेड हुआ था दोस्तों ये 25 सितंबर 1969 में, और इसके करेंटली 57 मेंबर्स हैं। तो दोस्तों ये अपन दूसरी डिस्कस करी आज, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 तारीख को दोस्तों एक पोस्टर स्टैम्प जो है वो लॉन्च करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये जो पोस्टर स्टैम्प है ये मिशन शक्ति जो है उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए ये पोस्टर स्टैम्प जो है वो लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों मिशन शक्ति क्या है मन में आ रहा होगा, तो ये इंडिया का पहला एंटी सैटेलाइट मिशन था। जी हाँ, मिशन शक्ति जो है वो इंडिया का पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन था। आप जानते होंगे दोस्तों 27 मार्च 2019 में DRDO ने सक्सेसफुली एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है मिसाइल उसका टेस्टिंग करी थी, और ये लॉन्चिंग जो करी थी उनने वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो है ओडिशा में, वहां से इसकी लॉन्चिंग करी थी।
इस मिसाइल ने एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको ये याद होगा, ये एक तीन फेजेस में जो है दोस्तों, तीन स्टेज वाली मिसाइल है जिसमें दो सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे हुए हैं। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें इंतजार रखना चाहिए यहाँ से कि जो मिशन शक्ति है वो इंडिया का पहला एंटी सैटेलाइट मिशन था और 27 मार्च 2019 में जो है ये कंडक्ट हुआ था, डीआरडीओ ने इसे कंडक्ट करवाया था और इसने एक लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो है उसको हिट करा था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आप जानते होंगे अभी जब कोविड लॉकडाउन के समय जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च हुई थी। ये जो इंश्योरेंस स्कीम थी ये हेल्थ वर्कर्स के लिए थी जो कि कोविड 19 से फाइट कर रहे हैं, जो कि कोविड 19 पेशेंट्स के बहुत करीब हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को काफ़ी रिस्क था, तो इसके लिए उन्हें एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया गया था 50 लाख रुपये का। दोस्तों पहले ये 3 महीने के लिए थी, ये जो इंश्योरेंस स्कीम थी ये पहले 3 महीने के लिए थी, उसको फिर 3 महीने और बढ़ा दिया गया है और उसके बाद अब उसको फाइनली 6 महीने और जो है बढ़ा दिया गया है। तो इसके तहत जो है जो फर्स्ट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपये तक का जो है इसमें इंश्योरेंस दिया जाना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम के तहत। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में अभी जो हरिवंश जी हैं उन्हें री इलेक्ट कर लिया गया है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और आप जानते होंगे राज्यसभा के चेयरमैन कौन है, तो राज्यसभा के चेयरमैन हमेशा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और हमारे वेंकैया नायडू जी जो हैं अभी उसके चेयरमैन हैं। हरिवंश राय जी जो हैं उन्हें डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में सिलेक्ट किया गया है, री इलेक्ट किया गया है और ये एनडीए के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, 15 तारीख को 56 आईटीईसी डे यानी इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डे जो है मनाया गया। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 1964 में और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसमें जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ से इसमें 160 कंट्रीज जो हैं दोस्तों, वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम के थ्रू जो है इंडिया में आके वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट, ऑडिट, मैनेजमेंट, एसएमई, रूरल डेवलपमेंट, पार्लियामेंट अफेयर जैसे कोर्सेज जो हैं इंडिया में आके कर सकते हैं। ओके, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि आईटीईसी का मतलब होता है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। 15 तारीख को दोस्तों ये डे मनाया गया और ये जो आईटीईसी है ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिससे कि डेवलपमेंट कंट्री से जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इंडिया में आगे पढ़ सकते हैं, ये उसका एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, आप जानते हैं अभी जापान में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो हैं उन्होंने हेल्थ इश्यूज की वजह से एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। उसकी जगह दोस्तों अभी हुआ यह है कि वहाँ की जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी, उसने अपना नया लीडर चुन लिया है। पहले इसके लीडर शिंजो आबे थे और अब क्योंकि वो अपने पोस्ट से हट रहे, रिजाइन कर दिया उन्होंने, तो एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने नया लीडर चुन लिया है जिनका नाम है योशिडी सुगा। जी हाँ, शायद मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये है योशिडी सुगा, ये जो है नए लीडर बन गए हैं एलडीपी के। और जो वहाँ का जाहिर सी बात है कि जो उस पार्टी का लीडर है वो आने वाला प्राइम मिनिस्टर है, तो आप देख सकते हैं आने वाले समय में कि योशिडी सुगा जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, बन ही जाएंगे जापान के। चलिए आगे देख लेते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दोस्तों अभी 6 स्टेट्स में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाने की बात करी है।
इसमें आसाम, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, इन्हें चुना गया है। इससे पहले मिनिस्ट्री ने 8 स्टेट्स में जो है वो ये स्टेट्स बना ये सेंटर्स खोलने की जो बात करी थी, अब 6 और कर दिए। कुल मिला के 14 जो है स्टेट्स में खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस यानी KISCE खोलने की बात जो है, इनॉग्रेट करने की बात जो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अभी करी है। ये जो दोस्तों सेंटर खुलने वाले हैं ये ओलंपिक को टारगेट रख के खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, इसलिए सेंटर जो है ओपन किए गए। चलिए दोस्तों अभी क्या हुआ है, एक ये पिरामल फार्मा लिमिटेड है, उसको उसके 20% शेयर जो है वो एक्वायर कर ली है सीए क्लोवर इंटरमीडिएट टू इन्वेस्टमेंट ने, और इसको इस डील को अप्रूव कर दिया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दोस्तों ये डील्स होती हैं जो एक्विजिशन होते हैं, एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसके कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर कर लेती है, तो उसको जो अप्रूव करती है वो करती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक स्टैचुरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो इन्फोर्स करती है, उसको प्रॉपरली वर्क करवाने के लिए काम जो है वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ऑफ इंडिया का। ओके, 14 अक्टूबर 2003 में उसकी एस्टेब्लिश हुआ था और फुली फंक्शनल ये 2009 में हुआ था और धनेन्द्र कुमार जी इसके फर्स्ट चेयरमैन बने थे। CCI में दोस्तों एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, और इस कमीशन की ड्यूटी जो होती है वो होती है एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स अफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, जो एक फेयर कॉम्पिटिशन होने से जो चीजें रोकती हैं उनको एलिमिनेट करना, कंपटीशन को सस्टेन करना, प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन मार्केट्स ऑफ इंडिया। ओके, बेसिकली आप तो इतना याद रखिएगा कि ये CCI जो है, जो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, जो एक्विजिशन होते हैं उनको मॉनिटर करता है, उनको अपडेट करता है। 2003 में उसका फॉर्मेशन हुआ था और इसके पहले चेयरमैन थे धनेन्द्र कुमार जी। ओके चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग इस मंथ के इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अभी हम दोस्तों 1 से 20 सितंबर की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 2 तारीख को कोकोनट डे आता है, 5 तारीख को आप जानते हैं टीचर्स डे आया था, 8 तारीख को इंटरनेशनल लिटरेसी डे आया था। चलिए आगे देखते हैं, 10 डे माफ कीजिएगा 20 है ये। ओके, सितंबर 14 को हिंदी दिवस था, अभी आप जानते हैं, 15 तारीख को इंजीनियर्स डे निकला है, 15 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है, 16 तारीख को वर्ल्ड ओजोन डे, 16 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन है। ओके, और एक स्पेशल मेंशन दोस्तों, जो 4th ऑफ संडे होता है, 4th संडे सितंबर का जो होता है वो वर्ल्ड रिवर्स डे होता है। ओके चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। इस सेशन में हमने इम्पोर्टेंट न्यूज देखी, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखा और साथ ही में हमने इस मंथ की इम्पोर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे।